मैं 19 साल का था, माँ 45 साल की थी। उनका बर्थडे था एंड अक्सर माँ को तोहफे देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट। एक तो इंडियन माँ तोहफे कबूल कैसे करते हैं जानते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं होता कुछ भी। तो इसकी जरूरत थी, इतने पैसे क्यों खर्च करने थे, बहुत पैसे आ गए हैं, बहुत ये हो गया है, बहुत वो हो गया है, लाइक द वर्स्ट गिफ्ट रिसीवर्स एवर। उस समय मैंने सोचा मैं उनको एक किताब गिफ्ट करूंगा। माँ ज्यादा किताब पढ़ती नहीं है, लेकिन ये मुझे लगा एक ऐसी किताब होगी जो शायद उनको पसंद आएगी। मैंने करी, उन्होंने वो किताब पढ़ने की कोशिश करी, लेकिन फिर बोली कि थोड़ी ना बोरिंग लग रही है तो मैं नहीं पढ़ूंगी। देन आई पिक्ड दैट बुक अप। मुझे ऐसा लगता था उस उम्र में कि ये किताब मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मुझे लगा था कि ये थोड़ी बुजुर्गों के लिए किताब है। बट दैट बुक चेंज माई लाइफ। उस बुक में 7 आदतों के बारे में बात करी गई थी। वो लोग जो जिंदगी में कुछ कर पाते हैं, कुछ हासिल कर पाते हैं, आगे बढ़ते हैं, उन लोगों में अक्सर ये 7 आदतें दिखती हैं। इस वीडियो में वही 7 आदतें। आदत नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। ये बुक बहुत खूबसूरती से ये बोलती है कि हमारी जिंदगी में जो हमारे साथ होता है, दैट इज द आउटकम ऑफ आर डिसीजंस, नॉट आर कंडीशंस। मतलब जिस माहौल में हम हैं, वो हमारी जिंदगी का आउटकम नहीं डिसाइड कर रहा। हम उसके बारे में क्या कर रहे हैं, हमारा डिसीजन क्या है, निर्णय क्या है, वो डिटरमिन करता है कि हमारी जिंदगी में क्या होता है। एंड इसको समझने के लिए 2 सर्कल विजुलाइज करिए, एक बड़ा सर्कल और उसके अंदर एक छोटा सर्कल। जरूरी नहीं है कि बीच में हो, साइड में भी कभी हो सकता है। बड़ा सर्कल इज द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, मतलब वो सारी चीजें जो हमारी जिंदगी में हमें इन्फ्लुएंस करती है। वो माँ बाप हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कॉलीग्स हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, बहुत सारी रैंडम चीजें भी हो सकती हैं, दुनिया हो सकती है, वो शर्मा जी अंकल हो सकते हैं, वो रैंडम चाची हो सकती हैं, वो रैंडम मामा हो सकते हैं, वो कोई रैंडम इंसान हमें मिल गया था उस दिन वो हो सकता है। जरा इनफ एंड मोर पीपल जो हमें ट्रिगर करते रहते हैं, एक्टिवेट करते रहते हैं, इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। तो दूसरा सर्कल इज द सर्कल ऑफ कंट्रोल, एंड दैट सेज आपको हमेशा जिंदगी में ये पता होना चाहिए कि जो ये पूरा सर्कल है ना इन्फ्लुएंस का, उसमें से कितना हिस्सा आप वाकई में कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वही चीज है दोस्त जिस पे आपको फोकस करना होगा। बाकी हर एक चीज रैंडम है। मुझे अभी भी याद है, ये 2013 की बात है, नहीं सॉरी, ये 2016 की बात है। 2016 में सिकोया, जहां से मैंने पैसे रेज किए थे फॉर माय प्रीवियस स्टार्टअप नियर बाय, उन्होंने एक फाउंडर्स मीट ऑर्गेनाइज किया था सिंगापुर में, और वहां सिंगापुर के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया था एज द चीफ गेस्ट। एंड ऑडियंस का सवाल जवाब वाला टाइम जब आया तो मैंने उनसे पूछा कि इज देयर एनीथिंग दैट कीप्स यू अप एट नाइट, एक कोई ऐसी चीज जो आपको रातों को परेशान करती है। एंड ही सेड लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट कीप मी अप एट नाइट, बट द बिगेस्ट थिंग आई हैव लर्न इज दैट 99% ऑफ देम आई हैव नो कंट्रोल ओवर। सोचिए, सिंगापुर का प्रधानमंत्री ये बोल रहा है कि जो चीजें मुझे रातों को जगाकर रखती है उसमें 99% चीजें मेरे बस में ही नहीं, कंट्रोल में ही नहीं। द अवेयरनेस ऑफ दैट ना is the first step towards being proactive. So proactive log by definition circle of control pe focus karte hain. Reactive log by definition circle of influence mein hi phase rehte hain. Kisi ne kuch bol diya, are din barbaad ho gaya. Kisi ne kuch nahi bola, are din barbaad ho gaya. Kisi ke message ka kisi se jawab nahi aaya, are zindagi barbaad hai. Kisi ne aapko acknowledge nahi kiya, are जिंदगी झंडे। मैनेजर ने आपके ईमेल का जवाब नहीं दिया, अरे मैं फायर होने वाला हूं। ऑल ऑफ दीज थिंग्स कीप एंटरिंग द रिएक्टिव माइंड। लेकिन जो प्रोएक्टिव माइंड होता है, उसको पता है मैं कौन सी चीजें कंट्रोल कर सकता हूं, एंड दैट्स व्हाई किन चीजों पे फोकस करके आई एक्चुअली मूव फॉरवर्ड। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, आप एक सिचुएशन से जूझ रहे हैं एंड आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर 2, चलिए देखते हैं कि इसके बारे में क्या क्या हो सकता है। बोथ ऑफ देम डू नॉट हैव अ एंड रिजल्ट, राइट। अगर आप देखेंगे वाकई में, दूसरा प्रोएक्टिव माइंड ये नहीं बोल रहा, अरे ये तो मैं सॉल्व करके रख लूंगा चाहे जितना भी मुश्किल हो ना। इट इज एडमिटिंग द फैक्ट आई डोंट नो द आंसर, बट इट इज सेइंग मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे बस में क्या क्या है, टू फिगर आउट वेदर देयर इज अ वे आउट ऑर नॉट। रिएक्टिव माइंड गिव अप मार चुका है, बट द प्रोएक्टिव माइंड is willing to look at options. आदत नंबर 2, begin
विद द एंड इन माइंड। एक बहुत बड़ा इसमें डिस्क्लेमर है जो मैंने जिंदगी में थोड़ा सा लेट सीखा, लेकिन जब सीखा तो इस आदत को और भी ब्यूटीफुली अपनी जिंदगी में अपना पाया। बिगिन विद द एंड इन माइंड बट नो टाइम इन माइंड। दिस वॉज अ गेम चेंजर, क्योंकि जिंदगी मैंने अपनी 20s में ऐसे जी, यहां पहुंचना है, यहां पहुंचना है, यहां पहुंचना है, तो अंत तो हमेशा दिमाग में था, लेकिन एक टाइम भी था, इतने तक पहुंचना है, इतने तक पहुंचना है, 25 तक ये, फिर 27 तक ये, फिर 28 तक ये, फिर 30 तक ये जबरदस्ती का टाइम प्रेशर क्यों डाल रहे हो अपने ऊपर? इफ यू स्टार्ट विद द एंड इन माइंड, आपको ये क्लैरिटी होती है कि आपको कौन कौन से स्टेप्स लेके वहां पहुंचना है, बिकॉज द एंड इज डिफाइंड, तो एक मैप बनने लगता है, लेकिन उस मैप में आपको अड़चने मिलेंगी ही मिलेंगी, उस मैप में शायद आपको अपना रास्ता बदलना ही पड़ेगा, उस मैप पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे गलत रास्ते पे हो, एंड इट विल बी योर चॉइस वेदर यू कंटिन्यू और टेक अ न्यू पाथ। लेकिन एंड तक अगर पहुंच गए तो क्या फर्क पड़ता है कि किस पाथ से पहुंचे। इफ यू थिंक अबाउट दैट, मुझे ऐसा लगता था कि यार 12th के बाद अगर IIT में नहीं हुआ ना तो जिंदगी बर्बाद है, जिंदगी खत्म है। बट इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, द एंड फॉर मी वॉज IIT, बट दैट्स नॉट द एंड ना गधे, दैट्स द स्टार्ट। IIT के बाद जिंदगी जीना शुरू करेंगे ना दोस्त। अंत तो है कि तुम्हारे पास एक सुखी परिवार है, पैसे हैं, सर के ऊपर छत है, माँ बाप खुश हैं, तुम खुश हो, एंड दैट इज द लाइफ, राइट? दैट्स द एंड। अब वहां पहुंचने के लिए IIT एक जरिया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही एक जरिया है, अनगिनत और जरिया है, एंड दैट इज द जर्नी दैट लाइफ इज ऑल अबाउट। आदत नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। सबसे पहली चीज पहले करिए, सबसे पहली चीज के बारे में पहले सोचिए। दिस वॉज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड बाय द फेमस आइजनहावर मैट्रिक्स, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट वाला, कि अगर हम अपने सारे काम को एक अर्जेंट और इंपॉर्टेंट के 4x4 खाने में डालेंगे तो उसमें से सबसे पहली चीज कौन सी है जो कि अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट भी है, वो चीज जो जरूरी है एंड अभी के अभी करनी है, वही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको उस पे सबसे पहले टारगेट करना पड़ेगा। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। लेकिन उसके बाद चिल्ला चिल्ला के अर्जेंट चीजें बोलेंगी, मैं, एंड उसकी वजह से इंपॉर्टेंट चीजें इग्नोर हो जाएंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें ही हैं जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। तो आपका वर्कआउट, जो अगर आप आज नहीं करेंगे आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा, अर्जेंट नहीं है लेकिन वो जरूरी है दोस्त, इंपॉर्टेंट है। आपकी पढ़ाई, आपका रीडिंग, आपकी जर्नलिंग, आपकी मेडिटेटिंग, आपका फैमिली टाइम, आपका मी टाइम, ये सारी चीजें आपको वो एनर्जी देती है दोस्त, जिससे आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं, अपने दिन पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। जब तक आप अपने आप को इन सारी चीजों वक्त नहीं देंगे, यू विल ऑलवेज कीप चेजिंग द सेकेंड थिंग्स फर्स्ट। तो ये तीसरी आदत, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो जिंदगी में सबसे जरूरी है उसको सबसे आगे रखिए। आदत नंबर 4, थिंक विन विन। ये तो इसने ना, मतलब कुछ चीजें होती हैं, मेरे पास शब्द ही नहीं है, कुछ चीजें होती हैं जब आप उसको सुनते हैं बहुत सरल होती हैं, लेकिन जैसे ही वो आपके दिमाग के अंदर घुसती है ना, कुछ तारे हिल जाते हैं। एंड आई रिमेंबर इन कॉलेज reading this fourth habit, think win win, and mera dimag hi kharab ho gaya, in a good way. What it says is ki zindagi mein har ek transaction, khaskar logo ke sath, char tarike ke ho sakte hain. Lose lose, which is main bhi haar gaya, tu bhi haar gaya, and there are a lot of people who operate like that. Agar mujhe nahi mila na, main tujhe bhi nahi milne dunga. Lose lose. सेकेंड, लूज विन, मैं हार गया और उसकी वजह से कोई और जीत गया। बहुत कम हम ये अपने साथ चाहते हैं, लेकिन जब होता है ना सबसे ज्यादा दुख होता है। फिर विन लूज, हमें ये यकीन होता है कि हमें जीतने के लिए किसी को हारना पड़ेगा,
एंड ये सबसे बड़ा वहम है इस दुनिया में लोगों के पास कि द वर्ल्ड इज अ जीरो सम गेम। अगर कोई प्लस वन हो गया तो किसी को माइनस वन होना पड़ेगा ताकि सम हमेशा जीरो। अगर कोई प्लस टू हो गया तो किसी को माइनस टू होना पड़ेगा ताकि सम हमेशा जीरो। लेकिन दुनिया जीरो सम नहीं है, दुनिया एक पॉजिटिव सम है, विच मींस कि दुनिया में हर एक इंसान के लिए, हर एक शख्स के लिए जगह है। अगर आप विन विन सोचेंगे, मतलब मेरी भी जीत तेरी भी जीत। हियर्स एन एग्जांपल, मैं अपने कोर्सेज चलाता हूं, बहुत कम बातें करता हूं वीडियोस में इन कोर्सेज के बारे में, लेकिन इस एग्जांपल के लिए यूज कर रहा हूं। हमने उसमें एक रिफंड पॉलिसी रखी है, फुली रिकॉर्डेड कोर्स है, सस्ते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने बोला है कि यार अगर आप इस कोर्स को करते हैं एंड आप इससे कुछ सीख नहीं पाते, कुछ समझ नहीं पाते, जिंदगी में अप्लाई नहीं कर पाते, तो हम क्या ही कर लेंगे इस पैसे को लेकर, बल्कि आपकी हाई लगेगी। एंड अगर मैंने आपको ये पैसे दे दिए तो आपकी भी जीत हुई, एंड उसके चलते अगर आप मेरे बारे में कुछ अच्छा सोच लेंगे या किसी और को बोल देंगे यार ये बढ़िया प्रोग्राम था, क्योंकि कुछ सीखा तो नहीं लेकिन वो एक कॉन्फिडेंस मिल गया कि अगर नहीं सीखेंगे तो पैसे वापस मिल जाएंगे, तो दूसरा इंसान भी शायद पॉजिटिवली प्रभावित हो जाएगा। दिस बिकम्स अ विन विन। आपको लगेगा ये मेरा लॉस है क्योंकि मेरे पैसे चले गए, लेकिन कायदे से एक रिकॉर्डेड कोर्स में मैंने उस पर कुछ स्पेंड भी नहीं किया, मैंने एक बार एफर्ट मार के कोर्स बना दिया है। अब उसको 10,000 लोग पढ़े या 1,000,000 लोग पढ़े, मेरा एडिशनल टाइम नहीं जा रहा है, दिस इज मी यूजिंग माई टाइम द बेस्ट वे। लेकिन अगर किसी इंसान को मैं ये कॉन्फिडेंस दे पाता हूं कि यार अगर आपके लिए कोर्स काम नहीं किया, आपके पूरे के पूरे पैसे वापस, दैट्स अ विन विन सिचुएशन। एंड जब आप अपनी जिंदगी में ना विन विन वाला एटीट्यूड रखेंगे कि मैं भी जीतूंगा लेकिन किसी और को भी जीतवाऊंगा, या अगर कोई और जीत गया उसका मतलब ये नहीं है कि मैं हारूंगा, मैं भी जीत सकता हूं, लाइफ बदल जाती है दोस्त। आदत नंबर 5, ब्यूटीफुल आदत, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझने की कोशिश करिए, फिर कोशिश करिए कि कोई और आपको समझ पाए। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आप एक कॉन्वर्सेशन में हैं एंड आप उस इंसान को समझ नहीं पा रहे, आपके दिमाग में चल रहा है कि ये इंसान सोच क्या रहा है, मतलब ऐसे कैसे लोग होते हैं, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, बिकॉज दैट इज हाउ दैट इंटरेक्शन इज मेकिंग यू फील। लेकिन मैंने जब ये आदत के बारे में पढ़ा तो एक चीज हिट करी, एंड वो चीज थी यार कोई भी अपनी जिंदगी में ना सुबह उठ के ये नहीं बोलता है कि आज मैं अंकुर वारिको की जिंदगी तहस नहस कर दूं, कोई नहीं है। बेचारों की खुद की जिंदगी में इतनी जद्दोजहद है, खुद की जिंदगी में इतनी परेशानी है, किसी और की जिंदगी का भार क्या उठाएंगे। सो इफ आई फाइंड माई सेल्फ इन कॉन्फ्लिक्ट विद समबडी, मेरे जहन में अब सिर्फ एक ही सवाल आता है कि यार ऐसा क्या है जो ये इंसान जानता है, या ऐसा क्या है जो इस इंसान के साथ हुआ है जिसके बारे में मैं वाकिफ नहीं। क्योंकि अगर मैं वो चीज जान पाया, अगर मैं वो चीज समझ पाया, आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देम, एंड अगर मैं उनको समझ पाया ना तो मैं शायद उनकी भाषा में, उनके नजरिए से, उनके तरीके से उनको कुछ समझा पाऊं। लेकिन अगर मैं उनको ही नहीं समझ पाया तो मैं चाहे जितनी भी फाइट मार लूं, मैं दीवार पे अपना सर ही मार रहूंगा, बिकॉज वो इंसान तो रेडी ही नहीं है टू अंडरस्टैंड मी। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। आदत नंबर 6, ऑब्वियस आदत है लेकिन बहुत पावरफुल है, एंड आई रियलाइज्ड द इंपैक्ट ऑफ दिस व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, सिनर्जाइज। हर एक इंसान एक बहुत छोटा सा पुर्जा है ऑफ अ रियली लार्ज मशीनरी। जब आप एक कंपनी में काम करते हैं, आप अकेले तो नहीं है, मतलब कंपनी आपके कंधों पे नहीं चल रही, बहुत सारे कंधों पे चल रही, एंड आप अपना छोटा सा एक रोल निभा रहे हैं। वो रोल आप जितनी खूबसूरती से निभाएंगे उतनी खूबसूरती से बाकी लोग अगर अपना भी रोल निभाए, इट ऑल कम्स टुगेदर टू क्रिएट मैजिक, कोलैबोरेशन, एंड इट्स ब्यूटिफुल। क्योंकि अगर आप वाकई में सोचें, the reason why the human species is the dominant species on earth
is because we have the power to collaborate. हम किसी अजनबी के साथ भी collaborate कर सकते हैं. पैसे के बारे में सोचें. पैसा वाकई में है क्या? कागज का पन्ना है. तो जब आपको कोई एक 50 रुपए का नोट पकड़ाता है, आप उसको कैसे कबूल कर लेते हैं? आप करते हैं क्योंकि एक पैसा बेस्ड ट्रस्ट मैकेनिज्म बना है. इट्स अमेजिंग हाउ हम किसी भी इंसान पे भरोसा कर देते हैं बिकॉज वी बिलीव इन हाउ मनी वर्क्स. दैट्स द पावर ऑफ कोलैबोरेशन. कि एक सिस्टम बनाए जहां हम अजनबियों से भी काम करवा सकते हैं, कोलैबोरेट करवा सकते हैं. द सेम थिंग हैज टू बी योर फितरत. कि मैं किसी के साथ भी काम कर सकता हूं क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं उखाड़ सकता, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता. मैं किसी के कंधे पे खड़ा होकर लंबा अपने आप को बुला सकता हूं अगर वो शख्स मुझे अपने कंधे पे खड़ा करने के लिए तैयार है. एंड दैट इज हाउ यू गेन पावर, ग्रोथ एंड लर्निंग. एंड फाइनली आदत नंबर 7, शार्पन द सॉ. दो लोगों को एक टास्क मिला एंड वो था पेड़ काटने का. उनको एक आरी मिली एंड बोला पेड़ काटना शुरू करो. तो पहला इंसान एंथु कटलेट शुरू हो गया. एक पे, दो पे, तीन पे, फर्राटेदार स्पीड, चार. फिर धीरे धीरे पांचवे पेड़ काटने में बहुत टाइम लगा, छठे में और टाइम लग गया, सातवें में कट ही नहीं रहा, आठवें में तो मतलब शुरू ही नहीं कर पा रहा है. एंड ही इज पर्प्लेक्स्ड कि क्या चल रहा है. एंड वो देखता है कि दूसरा वाला इंसान अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है, मतलब उसने एक पेड़ नहीं काटा है. एंड ही गोज अप टू दैट पर्सन, तो कथा है क्या बे? मतलब मैं यहां 7 पेड़ काट चुका हूं, तूने एक पेड़ पे शुरुआत नहीं की अपने काम की, क्या चल रहा है? व्हाट आर यू डूइंग? एंड द सेकंड वन सेज, आई एम शार्पनिंग माय सॉ. मैं अपनी आरी को तेज कर रहा हूं क्योंकि ये आरी ब्लंट है. तो पहले तो कुछ पेड़ आसानी से कट जाएंगे, लेकिन जैसे ही 7वां 8वां पेड़ आया, तुम पेड़ काट ही नहीं पाओगे क्योंकि आरी घिस चुकी हो. एंड मैं उस आरी को तेज कर रहा हूं. एंड फिर वो शुरू करता है एंड वो 10, 20, 30 पेड़ काट देता है. शार्पन द सॉ. बहुत बार जब ऐसा लगता है ना कि आप प्रोग्रेस ही नहीं कर रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि आप किसी कोने में बैठे हुए हैं, दुनिया से बहुत दूर हैं, पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लिख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोई आपको नहीं देख सकता, किसी को आइडिया नहीं है कि आप कितना परिश्रम कर रहे हैं. दैट इज यू शार्पनिंग द सॉ. क्योंकि जब आप उस नॉलेज के साथ, उस तैयारी के साथ, उस कन्विक्शन के साथ मैदान में आ गए, you will defeat everyone because you took time to sharpen the saw. ये 7 आदतें स्टीवन कवी की absolutely brilliant book, The 7 Habits of Highly Effective People. एक ऐसी किताब जिसने वाकई में मेरी जिंदगी बदल दी, आपकी भी बदल सकती है. अगर 2024 में आप किताब उठाना चाहते हैं और आपने ये किताब आज तक नहीं पढ़ी है, my absolute recommendation will be इस किताब से शुरू करिए. ये वीडियो तो एक बहुत छोटा सा ग्लिम्स है ऑफ द पावर दैट दिस बुक होल्ड्स फॉर ऑल ऑफ अस. जितना आप इस बुक को अपनी जिंदगी में लागू कर पाएंगे, उतना ही आप उस कैटेगरी के इंसान बनेंगे जो कि दुनिया अपनी मुट्ठी में लेके चलते हैं. गुरुवारी को साइनिंग ऑफ. मेरी नई बुक मेक एपिक मनी इज नाउ अवेलेबल फॉर प्री ऑर्डर. ये ऐसी किताब है जिसमें मैंने पैसे के बारे में वो हर एक चीज सिखाने की कोशिश, बताने की कोशिश करी है जो काश मुझे किसी ने बताई होती जब मैं अपने 20s में था. एक बहुत ऑनेस्ट, बहुत सिंपल और बहुत जरूरी बुक. ऑर्डर करिए अमेज़न पर.